2023 का न्यू इंटरफेस में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इस इंटरफेस में आपको करने से पहले आपको सिम को यहाँ पर रिमूव करना होगा, तभी यहाँ पर वर्किंग है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों वीवो का सेट है, इसमें आप पैटर्न लगा के भूल गए हैं, पैटर्न आपको पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू ट्रिक में यहाँ पर जो है पैटर्न को यहाँ पर दोस्तों न्यू आपका यहाँ पर मेथड में आपका यहाँ पर 100% यहाँ पर अनलॉक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो में अपलोड हो तो आपको मिल सके। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन जो है इसको आपको प्रेस करना है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इमरजेंसी का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको जाना है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिम आपको यहाँ पर डाल के रखना है यहाँ पर फर्स्ट मेथड में, उसके बाद आपको यहाँ पर सिम डाल के रखने के बाद इमरजेंसी में जाना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इस ट्रिक को यहाँ पर करने के लिए आपको जो है 2023 का जो कोड है उस कोड को आपको यहाँ पर बताएंगे और उस कोड के माध्यम से आपको यहाँ पर अनलॉक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है दोस्तों। *225* आपको यहाँ पर लगाना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर 813 और आपको यहाँ पर हैच लगाना है, उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट में 9 और 1 आपको यहाँ पर जोड़ना है और आपको यहाँ पर लास्ट में हैच यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ग्रीन बटन है इसको प्रेस कर देना है, ओके यहाँ पर आएगा तब आपको यहाँ पर ओके आपको यहाँ पर कर देना है, बैक आ जाना है दोस्तों। बैक यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इस तरह से आपको पावर ऑन ऑफ बटन को जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर 5 से 6 बार आपको प्रेस करना है दोस्तों। और आपको यहाँ पर बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके यहाँ पर कर देना है दोस्तों। इस तरह से आपको यहाँ पर आएगा, आने के बाद दोस्तों कुछ देर आपको यहाँ पर छोड़ देना है। आपको यहाँ पर जो है आपको इंटरनली जो लोकेशन है वहाँ पर इनेबल हो चुका है दोस्तों, और आपको यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। और कुछ देर आपको यहाँ पर छोड़ने के बाद दोस्तों आपको जो है आपको यहाँ पर जो आपको रेड बटन को यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है, रेड बटन को यहाँ पर प्रेस कर देंगे दोस्तों कुछ देर में। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको हम लोग का जो लोकेशन है वो इनेबल हो चुका है, और होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल तरीका से जो है आपको यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखना है, और इसको प्रेस करके रखना है दोस्तों। और प्रेस करके यहाँ पर पावर ऑफ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पावर ऑफ का ऑप्शन आने के बाद पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑफ यहाँ पर जब हो जाए उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों और यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर रिकवरी मोड यहाँ पर आ जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है, उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते के साथ ही दोस्तों आपका जो है आपका इस तरह से वीवो लिखा हुआ आ जाएगा। वीवो लिखा हुआ आने के बाद अगला जो स्टेप है वो आएगा। इसके बाद दोस्तों वीवो का जो अपडेट आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, इस अपडेट को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बने रहना है दोस्तों वीडियो में, और आपको यहाँ पर स्टेप यहाँ पर फ्लो आपको यहाँ पर करना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग के यहाँ पर सिम लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पर चेक सिस्टम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से चेकिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस तरह से चेकिंग का ऑप्शन आएगा दोस्तों, और आपको यहाँ पर सिम के साथ यहाँ पर चेकिंग हो रहा है, और चेकिंग होने के बाद दोस्तों ओके आएगा तो आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। इस तरह से ओके यहाँ पर कर देना है दोस्तों। ओके यहाँ पर करने के बाद आपको जो है इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको न्यू अपडेट में यहाँ पर दोस्तों आपको सिम को यहाँ पर रिमूव यहाँ पर कर देना है। सिम कार्ड जो इसमें लगा हुआ है दोस्तों इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आपको इसको बाहर निकालना है। बाहर यहाँ पर निकालने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर इसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद दोस्तों आपको जो है आपको इस तरह से निकालने के बाद आपको जो है जब सिम निकल जाए दोस्तों आपको कुछ देर में आपको यहाँ पर चेक सिस्टम को आपको यहाँ पर टच करना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर दोस्तों बिना सिम का इस तरह से हम लोग यहाँ पर चेकिंग करेंगे, और आपको यहाँ पर चेकिंग यहाँ पर इस तरह से होगा दोस्तों। और चेकिंग होने के बाद आपका जो है ऑप्शन आपका फिर से यहाँ पर ओके का जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों ओके यहाँ पर करने के बाद ओके कर लेंगे। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में जाना है दोस्तों, नेटवर्क अपडेट में जाना है, और इसके बाद दोस्तों ओके का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, और आपका ओके में यहाँ पर प्रेस कर देना है। ओके में यहाँ पर प्रेस करते के साथ ही दोस्तों फ़ोन यहाँ पर आपका ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने के बाद आपका कुछ देर बाद आपका यहाँ पर ऑन होगा दोस्तों। ऑन यहाँ पर होने के बाद आपका कुछ देर आपको इंतज़ार करना है दोस्तों, और इसके बाद का जो अगला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आएगा, और आपका यहाँ पर जो है अलाउ करने का ऑप्शन वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों डाउनलोड एंड इंस्टॉल का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आ चुका है।
ये आपका यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसको प्रेस कर देना है, और उसके बाद आपको स्कैन वाईफाई आपका एक हॉटस्पॉट को आपको कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। हॉटस्पॉट को ऑन करके यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, और उसको कनेक्ट करने के बाद अपडेट में यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों वीवो लिखा हुआ, इस तरह से आपका यहाँ पर वीवो लिखा हुआ आ जाएगा, और आपका दोस्तों यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग आगे यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, इस तरह से वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों। और आपका जब यहाँ पर ऑन हो जाए, और ऑन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑन होने के बाद आपको फिर से है जो पावर ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इस तरह से पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है। इस तरह से पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है दोस्तों। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। दोनों को हम लोग एक साथ यहाँ पर फिर से प्रेस करके रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर से रिकवरी मोड आप यहाँ पर आ जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है, पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते के साथ ही दोस्तों यहाँ पर फिर से वीवो लिखा हुआ आ जाएगा, और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, तो 2023 में दोस्तों न्यू अपडेट के साथ आपको यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इस इंटरफेस आ चुका है दोस्तों, और हम लोग यहाँ पर दोनों जो है इसको हम लोग ऑटो इनेबल ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोस्तों। कि हम लोग का चेक सिस्टम यदि इनेबल नहीं हुआ है तो हम लोग का चेक सिस्टम लेगा, और चेक सिस्टम इनेबल हो गया है तो क्लियर डाटा में डायरेक्ट लाइट बिलिंग करेगा दोस्तों, और हम लोग का 100% आगे यहाँ पर लेके जाएगा। और हम लोग का जो हार्ड रिसेट का जो हम लोग का है यहाँ पर हार्ड रिसेट यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे जा चुके हैं। इसके बाद क्लियर केक जो है इसको हम लोग यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों क्लियर केक को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। उसके बाद क्लियर ऑल डाटा है यहाँ पर हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर सारा कुछ इरेज हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और इसको आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देंगे। ओके करते के साथ ही दोस्तों यहाँ पर हार्ड रिसेट जो है यहाँ पर 100% सक्सेसफुल रहा। इस तरह से दोस्तों आप स्ट्रिक में आपका जो है रिमूव का सिम का मेथड से साथ दोस्तों आप यहाँ पर 100% घर बैठे यहाँ पर जो है आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर अनलॉक कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। बैक जाना है, बैक जाने के बाद दोस्तों आपको रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाना है, और आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको ओके यहाँ पर कर देना है। ओके करते के साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद ऑन होगा दोस्तों। और यहाँ पर पेटेन पिन पासवर्ड आपको जो पता नहीं है भूल गए हैं वो आपका कंप्लीट यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर FRP का जो ऑप्शन है वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। स्टार्ट यहाँ पर कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको चेकबॉक्स मिलेगा, इसको टिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ